हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पे और नॉलेज सेंटर। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं लाई हूँ लेक्चर नंबर 21, सामान्य विज्ञान। तो आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे घटना चक्र के सारे सीरीज करवाए जा रहे हैं, सारे बुक का, और यूपी का भी स्पेशल करवाया जा रहा है, हिंदी का भी, साथ में सारे का सारा आरओ का पैकेज ही है। तो आप इसको इंजॉय करिए, टेस्ट भी करवाए जा रहे हैं, तो इससे ज़्यादा क्या ही पढ़ना है आपको। और चलिए इसको करते रहिए, आप इंजॉय करिए, जल्दी हम आपका मतलब 1 साल का करंट अफेयर भी करवा देंगे। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, एंजॉय करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सामान्य विज्ञान लेक्चर नंबर 21। तो अब हम करेंगे श्वसन तंत्र के बारे में। आज करेंगे श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र के अंतर्गत वे सभी अंग आते हैं जिनसे होकर वायु आदान प्रदान होता है, जैसे नासिका, नेसल पैसेज और ग्रसनी, फेरिंग्स और लैरिंग्स और श्वसन यंत्र, ट्रैकिया, ब्रंकाई, ब्रोंकियोल्स और तथा फेफड़े। मनुष्य के बच्चे को हम दो फेफड़े होते हैं, जिसे फुफ्फुसावरण या प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं, घिरे होते हैं, जिससे मनुष्य का दाएं फेफड़ा बाएं फेफड़े से कुछ बड़ा और चौड़ा परंतु लंबाई में कुछ छोटा होता है। तो फेफड़ों में रुधिर कोशिकाओं का जाल फैला होता है। फेफड़े प्रत्येक फेफड़े में लगभग 15 करोड़ वायु कोष्ठक होते हैं, जिनमें श्वास की वायु तथा रुधिर के बीच गैसीय विनिमय होता है। फेफड़ों लंग्स क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। यह मानव सहित समस्त जीवधारियों के श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए इसे फुफ्फुसी श्वसन कहते हैं। श्वसन एक जैविक क्रिया है जिसे द्वारा सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। आपको पता होगा स्तनधारी में श्वसन होता है कैसा, फुफ्फुस फेफड़ों द्वारा। श्वसन क्रिया में वायु के कौन कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो नाइट्रोजन नहीं होता। श्वसन क्रिया में एक जैविक क्रिया है जिसमें अंतः कोशी क्रिया द्वारा उच्छ्वास, एक्सपायरेशन क्रिया में नाइट्रोजन की मात्रा अपरिवर्तित रहती है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है रक्त के द्वारा, तो रक्त के द्वारा नहीं होता है, नहीं पहले किसके द्वारा, पहले फुफ्फुस में जाएगा, फेफड़े में, तो उसके बाद जाएगा रक्त में, फिर ऊतक के द्वारा। तो ऑप्शन हो गया सी। ओ, अगला फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है तो वह एल्वियोली। फिर नेक्स्ट, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है, श्वास की गति क्या हो जाती है, तो श्वास की गति बढ़ जाती है। तो जब आप दौड़ते हैं तो ऑक्सीजन कम होता है तो हांफते हैं ना। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है, तो प्रभावित करती है रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है, तो वह एटीपी से एडीपी। नेक्स्ट है, श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है तो एटीपी के रूप में उत्पादित होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त तो होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं, तो वायु श्वसन कहते हैं। ग्लूकोज के विखंडन के संदर्भ में कौन कौन से कथन सही है, तो इसमें क्या सही है, तो कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज तथा 4 कार्बन परमाणु वाले पायरुवेट विखंडित होते हैं, तो गलत है। ऑक्सीजन के अभाव में पायरुवेट लैक्टिक एसिड के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, सही है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल के रूप में परिवर्तित होते हैं, सही है। 2-3 सही है, पहला गलत है। मानव शरीर में कौन सा भाग शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, तो शरीर के ताप को नियंत्रित करता है हमारा फेफड़ा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है परिसंचरण तंत्र, जिसे जिसे विलियम हार्वे ने खोजा था, ठीक है। परिसंचरण तंत्र विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक द्वारा रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की गई थी। रक्त परिसंचरण तंत्र को मुख्य रूप से 3 भागों में, हृदय, रुधिर तथा रुधिरवाहिनी में बांटा जा सकता है। मानव हृदय छाती के मध्य थोड़ा सा बाईं ओर स्थित होता है। पेशी ऊतकों का बना यह अंग आवरण द्वारा घिरा होता है, जिसे बाह्य आवरण कहते हैं। इसमें पेरिकार्डियल द्रव भरा होता है जो हृदय की बाह्य आघातों से रक्षा करते हैं। हृदय 4 प्रमुख कक्षों में विभाजित होता है, 2 ऊपरी कक्षों में 2 दायां बायां आलिंद कहते हैं, जबकि 2 निचले कक्षों को दायां एवं बायां निलय कहते हैं। एक सामान्य मनुष्य के हृदय का वजन लगभग 250 से 300 ग्राम होता है। सामान्यतः मनुष्य का हृदय प्रति मिनट 72 से 75 बार धड़कता है। हृदय में स्कंदन समाप्ति से लेकर अगले स्पंदन की समाप्ति के बीच हृदय चक्र को कहते हैं। हृदय एक पंप की तरह कार्य करता है तथा इसका प्रमुख कार्य शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त को पहुंचाना होता है सिराओं के माध्यम से। शुद्ध ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, रक्त फेफड़ों में हृदय में से फेफड़ों से हृदय में आता है। हृदय इस रक्त को धमनियों के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचाता है। शरीर के विभिन्न भागों द्वारा रक्त में मिला ऑक्सीजन प्रयुक्त हो जाता है और अशुद्ध या ऑक्सीजन रहित रक्त सिराओं द्वारा हृदय की ओर आ जाता है। मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिला होता है वो अशुद्ध रक्त होता है, जिसमें ऑक्सीजन मिल जाता है वो शुद्ध रक्त होता है। और ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है और ये प्रत्येक मनुष्य में, वयस्क मनुष्य में 5 से 6 लीटर तक होता है। मनुष्य की तुलना महिलाओं में 1 लीटर कम होता है। रक्त के 2 प्रमुख भाग होते हैं, प्लाज्मा और जल, सॉरी रक्त कणिकाएं एवं रुधिर।
कुछ रक्त जो है 55% प्रभाग प्लाज्मा होते हैं तथा शेष भाग 45% भाग रुधिराणु होते हैं। रुधिराणु 3 प्रकार के होते हैं, लाल रक्त, श्वेत रक्त या प्लेटलेट। प्लाज्मा में लगभग 91 से 92% जल और शेष भाग में 8 से 9% विभिन्न प्रकार के अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ होते हैं। लाल रुधिर कटकियां कैसोरकियों के रुधिर में पाए जाते हैं। अगला है फेफड़ा है, फेफड़ा है और इसमें देखेंगे दायां आलिंद बायां आलिंद है। तो फुफ्फुस पल्मोनरी वेन है और ये लेफ्ट आर्टरीज में लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये ऑरिकल लेफ्ट है वेंट्रिकल है। ये हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, 2 इधर हैं 2 इधर हैं। फिर क्या होता है, शरीर के विभिन्न अंगों से ब्लड जो है ये जा रहा है राइट आर्टिकल में, ऑरिकल में, फिर ये जाएगा इसमें, इसमें जाएगा राइट वेंट्रिकल में, फिर होके जाएगा फेफड़े में, फेफड़े से आएगा लेफ्ट ऑरिकल में, फिर लेफ्ट ऑरिकल से बाएं आलिंद मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर मनुष्य के शरीर में जाएगा ऑर्टा के थ्रू। ठीक है, तो सामान्य सामान्य मनुष्य में लाल रक्त कणिकाएं लगभग 54 लाख में होती हैं और प्रति, लेकिन स्त्री में थोड़ा कम होती है। श्वेत रक्त कणिकाएं लगभग 4000 से 11000 घन मीटर तक होती हैं, मिलीमीटर तक होती हैं। इनमें सर्वाधिक संख्या में न्यूट्रोफिल्स तथा कम में बेसोफिल्स, आकार में सबसे बड़ी मोनोसाइट्स और प्लेटलेट्स की लगभग 1.5 से 4.5 लाख तक होती है। लाल रक्त कणिकाएं अस्थि मज्जा में विकसित होती हैं, उनका जीवन काल लगभग 100 से 120 दिनों का होता है। तो अब देखेंगे ये सब बहुत कुछ है इसमें। तो प्लाज्मा है, रुधिराणु है। तो प्लाज्मा में क्या होता है, जल होता है, कार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ होते हैं। रुधिराणु में प्लेटलेट्स, लाल रुधिर और आरबीसी डब्ल्यूबीसी होता है। और कड़कियां में मतलब ग्रैनुलोसाइट जो होता है, ये डब्ल्यूबीसी के 2 टाइप है, ग्रैनुलोसाइट, दूसरा ए ग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट में इसिनोफिल्स होता है, बेसोफिल्स होता है, न्यूट्रोफिल्स होता है और ए ग्रैनुलो में लिम्फोसाइट मोनोसाइट्स होते हैं। और ब्लड ग्रुप है, ये ब्लड ग्रुप 4 तरह के होते हैं, और ए और बी, ए बी ओ। और तो ए ए को रक्त दे सकता है, दे सकता है। बी जो है, बी ए को रक्त नहीं दे सकता, बी बी को रक्त दे सकता है, बी ए बी को रक्त दे सकता है, ओ को नहीं दे सकता है। और ए बी जो है, ए बी जो है किसी से रक्त नहीं मतलब नहीं दे सकता, केवल दे सकता है, तो ये ए बी को दे सकता है। और ओ जो है सबको रक्त दे सकता है, ओ को सर्वदाता कहते हैं, ए बी को सर्वग्राही मतलब सबसे लेगा और देगा नहीं। और ये देख सकते हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितने बार धड़कता है, तो धड़कता है 72 बार। अब हृदय कब आराम करता है, तो हृदय 2 धड़कनों के बीच थोड़ा सा माइन्यूट जो अंतर होता है वही, जैसे धक धक इसके बीच में आराम। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हृदय घाव से संबंधित नहीं है, टांगों में दर्द हृदय घाव से संबंधित नहीं है, बल्कि सीने में दर्द, पसीना, वजी मचलाना, बाह में दर्द और झंझनाहट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा हृदय घाट के सटीक लक्षण है, तो सटीक लक्षण है जी मचलाना, तेज पसीना और होता है सीने में दर्द, सिर दर्द नहीं होता, सीने में दर्द होता है, ऑप्शन डी। हृदय में कितने कक्ष होते हैं, हृदय में 4 कक्ष होते हैं। हृदय स्पंदन एक विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होता है जो उपजती है हृदय में। अगर मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन कराती है हृदय के बराबर। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाण होता है वो 5 से 6 लीटर होता है। एक सामान्य 70 किलोग्राम भार वाले वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा लगभग कितनी होती है, तो लगभग 600 मिली, तो ये होती है लगभग 5 से 6 लीटर। और तो ठीक है, रक्त होता है, रक्त होता है एक संयोजी ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त संचलन मदद करता है, तो रक्त संचलन में एरिथ्रोसाइट मदद करता है। हीमोग्लोबिन क्या है, तो हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ है। हीमोग्लोबिन के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो यह जो है अम्लीय होता है, तो ये अम्लीय नहीं होता, इसका पीएच मान 7.4 होता है, लगभग उदासीन के टाइप उछारी बोल सकते हैं। रुधिर वाहिक संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, तो इसमें लव होता है, सही है, इसमें लव तो होता है। यह रक्त को लाल प्रदान करता है, रक्त प्रदान करता है, यह भी सही है। यह कुछ रोगों के प्रति रक्षा का काम नहीं, और डब्ल्यूबीसी करता है, यह रक्त में ऑक्सीजन भाग है, ये सही है। तो अगला है, हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, लव यह लव युक्त यौगिक है, यह कुछ रोगों के प्रति रक्षा का प्रदान करता है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, तो इसमें तीसरा नहीं होगा, बाकी दोनों होगा, तो ऑप्शन सही है। शरीर में हीमोग्लोबिन का अर्थ क्या है, ऑक्सीजन का परिवहन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लव विद्यमान होता है, तो मायोग्लोबिन में होता है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, तो लोहा होती है। किस प्राणी के जीवद्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय होता है, तो वह केचुआ में। लाल रक्त में रुधिर में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है, तो वह होता है हीमोग्लोबिन कारण। लाल रक्त कणिकाओं का रंग लाल होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त रक्त शरीर में क्या कार्य करता है, तो शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। मनुष्य का औसत रक्तचाप जो होता है ब्लड प्रेशर 120 और 180 HG होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है, 120 80
120 और 80, इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? तो रक्त दाब मापा जाता है स्पेग्नो मैनोमीटर से। और किस उपकरण में जिसको रक्तचाप नापने के लिए? तो स्पेग्नो मैनोमीटर। और किस व्यक्ति का रक्तचाप 140 एमएस है और एचजी है? तो उस उल्लेख में एचजी का तात्पर्य क्या है? एचजी का मरकरी से तात्पर्य है। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो समानता उसका रक्त दाब क्या हो जाता है? तो उसका रक्त दाब बढ़ जाता है। तो श्रीमती एक्स है, श्री श्री वाई है, तो दाब का मान देखना है। तो इसमें क्या बताना है कि निम्न में से किसका रक्त दाब सामान्य है? तो इसमें ये जो वाई है इनका रक्त दाब सामान्य है। वाई क्या है? ये श्री वाई, श्री वाई। ठीक है, हमारे शरीर में रक्त दाब होता है तो वह होता है वायुमंडल से दाब से अधिक। रक्त समूहों की खोज किसने की थी? तो ब्लड ग्रुप की खोज की थी भी एक कार्ल लैंडस्टीनर ने। आरएच का नाम संबंधित है तो एक बंदर से संबंधित है, राइसस बंदर से। निम्न रक्त वर्ग सर्वात्रिक दाता दाता है ओ। और नेक्स्ट है, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वात्रिक दाता है? तो दाता है ओ। रक्तदान सर्वाधिक दाता ओ है। ए बी रक्त समूह वाले सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं। रक्त समूह ए बी की रक्त कणिका में कोई एंटीजन नहीं होता है इसलिए वो, तो एंटीजन होता है इसलिए तो नहीं दे पाते हैं। तो ऑप्शन है सी। नेक्स्ट है सार्वभौमिक स्वीकार, सबसे ज्यादा मतलब लेने वाला सी ए बी है। ए बी रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति से रक्त ले सकता है जिसका वर्ग क्या हो? ए बी ए, अच्छा ले सकता है तो वो जो होता है, ले तो सबसे सकता है लेकिन दे केवल ए बी को सकता है। ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को कभी कभी सार्विक रक्त अदाता भी कहा जाता है। क्योंकि क्योंकि उसके रक्त में प्रतिजन एंटीजन एंटीबॉडी का अभाव होता है। एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए है सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाता है तो चिकित्सक रक्तदान की सलाह देते हैं। उसके संबंधी रक्तदान हेतु कहा जाता है। जिनमें से रक्त समूह वाले हैं, पत्नी ओ है, भाई ए बी है, पुत्र ए है, पुत्री ओ है, तो उसका ब्लड ग्रुप ए है। तो किसको रक्त, कौन कौन उसको रक्त दे सकता है? तो ओ वाले तो दे सकते हैं, जिसमें ए बी है वो भी दे सकते हैं, ए बी दे सकते हैं। तो ये हो जाएगा, नहीं ये ए ऐसा, ए ओ वाले दे सकते हैं, ए बी वाले नहीं दे सकते हैं। ए ओ ए और पुत्री है ना, पत्नी दे सकती है, पुत्री दे सकती है, इसमें तीनों चारों दे सकते हैं। तो ठीक है, तो इसमें जो है ए सब दे सकते हैं। ठीक है, ए बी वाले व्यक्ति रक्तदान कर सकते हैं। इसी प्रकार ए रक्त समूह वाले ए या ओ व्यक्ति से रक्त प्राप्त कर सकते हैं। एक मनुष्य दुर्घटना हो जाती है और उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है, निम्नलिखित में इसको कौन सा रक्त चढ़ा सकते हैं? तो ओ नेगेटिव चढ़ा सकते हैं। अज्ञात रुधिर वर्ग का एक एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उसे तुरंत रक्त की जरूरत है, तो उसको कौन सा रक्त? तो ओ या आरएच माइनस, ओ नेगेटिव चढ़ा सकते हैं। एक विवाहित दंपति ने एक बालक को गोद लिया, उसके कुछ वर्ष उपरांत उसे जुड़वा पुत्र उत्पन्न हुए। दंपति ने एक का रक्त वर्ग ए बी पॉजिटिव है, दूसरे का ओ नेगेटिव। तीनों पुत्रों में से एक का रक्त ए पॉजिटिव है, दूसरे का बी पॉजिटिव है, तीसरे का ओ पॉजिटिव है। गोद लिए गए पुत्र का रक्त कौन सा है? तो उसका रक्त होगा ओ पॉजिटिव। और यदि एक पिता का रक्त ए है और माता का ओ है तो बताइए कि उसके पुत्र का निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग होगा? तो ओ होगा उसका, क्या ओ डोमिनेंट होगा यहाँ पे उसपे। आधान में से ना में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि किसमें, आरएच कारक में भी संगत होता है। माता गर्भस्थ शिशु आरएच रक्त प्रकार विसंगत की समस्या उत्पन्न हो सकती है यदि माँ क्या हो, अगर माँ एरएच हीन हो, मतलब उसमें आरएच ना हो और मतलब आरएच हीन हो और गर्भस्थ में जो शिशु हो आरएच यस हो तो उसका गर्भस्थ शिशु आरएच प्रकार की विसंगति की समस्या का उत्पन्न हो सकती है। तो आरएच जो होता है तत्व का लक्षण भी अनुवांशिक होता है। इसकी वंशगत मेंडेलियन नियमों के अनुसार दो एलील्स द्वारा होती है। इसमें जीन आरएच पॉजिटिव और नेगेटिव प्रबल डोमिनेंट होते हैं। आरएच हीन माता जीनोटाइप आरआर होता है और आरएच पिता जो होता है जीनोटाइप आरआर होता है। माता के अंडाणु में यह होता है तो माता गर्भस्थ रक्त विसंगति की समस्या उत्पन्न हो सकती है। माता में आरएच हीन या उसका शिशु इतना सहित हो तो किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो लगभग 7.35 से 7.45 के बीच। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4। मनुष्य के शरीर के रक्त का पीएच मान 7.4। प्रतिजन वह पदार्थ होते हैं जो प्रति एंटीबॉडीज के निर्माण को दीप्त करता है। प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो क्या प्रतिजन के तंत्र को परिवर्तित कर प्रवर्तित करता है। निम्न में से एंटीजन की मूल विशेषता क्या है? तो मूल विशेषता प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करता है। शरीर में निम्न से कौन संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? तो वो कौन करता है? डब्ल्यू बी सी।
सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? तो उसका मुख्य कार्य रोग प्रतिरोधक क्षमता का धारण करना। रुधिर के प्लाज्मा में निम्न किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो होती है लिम्फोसाइट द्वारा। प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध किससे है? तो लिम्फोसाइट से है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक मानव शरीर में बी कोशिकाओं और टी कोशिकाओं की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो वे शरीर को रोगाणुजनक द्वारा होने वाले रोगों से बचाती है। नेक्स्ट है, मानव रक्त की श्यानता का कारक क्या है? रक्त में प्रोटीन। मानव श्वेत रक्त कणिकाओं का व्यास होता है लगभग कितना? 0.007। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित रोग विज्ञान की भाषा को क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया कहते हैं। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनी होती हैं अस्थि मज्जा से। डब्ल्यूबीसी का बनना, आरबीसी का विनाश होना क्या है? तो प्लीहा में होता है। मानव शरीर में किस अंग में लसिका कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो तिल्ली में पाई जाती हैं। लसिका कोशिकाएं एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं जिनका निर्माण लसिका ग्रंथि, तिल्ली, थाइमस ग्रंथि तथा अस्थि मज्जा द्वारा किया जाता है। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो वह होता है प्लीहा में। और हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियां कहलाती हैं, तो जो तो उसको हृदय धमनियां बोलते हैं। किस शारीरिक प्रक्रम में थ्रॉम्बिन का संबंध है? तो वह संबंध है रक्त जमाव से। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम कौन होता है? तो थ्रॉम्बिन होता है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है, तो वो लगभग 90% होता है। किसी सामान्य व्यक्ति में रक्त के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो धमनियों की तुलना में सिराओं की संख्या कम होती है और उनमें समय के साथ रक्त की मात्रा बढ़ती है। रक्त की कुल मात्रा का लगभग 70% भाग रक्त कोशिकाओं में रूप में होता है। तो इसमें रक्त में डब्ल्यूबीसी की तुलना में बिंबाणु अधिक होते हैं। तो अगला है, कटे हुए स्थानों में रक्त प्रवाह रोकने के लिए फिटकरी का उपयोग किया जाता है। रक्त एक कोलाइड निकाय है जिसमें दृढ़ावस्थित कोलाइड कण होते हैं। फिटकरी के अल्मोनियम आयनों की स्कंदन शक्ति अधिक होती है, अतः स्कंदित हो जाता है। तो ऑप्शन हो गया ए। अगला, किस देश के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कृत्रिम रक्त बनाया है जो प्लास्टिक रक्त की कीम्स में जिसे किसी मरीज को विचार किए बिना दिया जा सकता है? तो वह है ब्रिटेन। अब है उत्सर्जन। शरीर की कोशिकाओं में उपापचय के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, अम्ल ऐसे अवशिष्ट पदार्थ बनते हैं जो शरीर के बाहर अनावश्यक जो रह मतलब शरीर के अंदर रहे तो हानिकारक हो सकते हैं। इस अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना ही विसर्जित कहलाता है। तो जैसे मूत्र के रूप में और फीटस के रूप में और फीकस के रूप में और विक नलिकाएं वगैरह सब देख लीजिए। मूत्र जो होता है 1 से 1.5 लीटर मूत्र बनते हैं, हल्का अम्ली होता है, ये सब है। तब क्वेश्चन करेंगे हम, अल्कोहल के निरावेशन के लिए लिए निम्नलिखित में मानव अंगों में से कौन सा उत्तरदायी है? तो वह है यकृत। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित मात्रा में पेशाब करता है? तो वह है 1.5 लीटर। मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्ण के कारण होता है जिसे कहते हैं, उसे यूरोक्रोम कहते हैं। मानव ब्रिक के कार्य संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिक में उत्सर्ग अपनयन के पश्चात स्वच्छ रक्त ब्रिक की धमनी से वापस जाता है। तो वोमन संपुट में निस्यंदित द्रव लघु नलिकाओं से गुजरता है जहाँ अधिकांश ग्लूकोज का पुनरावशोषण होता है तथा ब्रिक की सिरिका से रक्त के पास वापस भेजा जाता है। तो दूसरा सही है। मनुष्य शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस कहते हैं। और डायलिसिस किससे संबंधित है? तो यह है वृक्क से, किडनी से। अगला है, अपोहक जिसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है वह है वृक्क। निम्नलिखित में से कौन सी सही है? तो शरीर में साफ रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। और यूरिया यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक होता है? तो वह होता है गुर्दा द्वारा, किडनी द्वारा। मानव गुर्दे निम्नलिखित में से किस प्रणाली के अंतर्गत है? तो एक्सक्रिप्शन के मतलब अवशिष्ट पदार्थ को शुद्ध करने के लिए। वृक्क के प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है, तो वह होता है लगभग 12 cc। अगला है, जब ब्रिक कार्य करना बंद कर देता है तो निम्न से कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है? तो रक्त में रक्त में नाइट्रोजनित अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? तो रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण ये कार्य नहीं है। मानव ब्रिक असमारी में पाया जाने वाला मतलब स्टोन्स पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक क्या है? तो कार्बोलिक कैल्शियम ऑक्सलेट। जब मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्राय बनी होती है तो कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। मानव गुर्दे में पथरी निम्न किसकी वजह से बनती है? तो कैल्शियम ऑक्सलेट से। वह तत्व तो जो मानव के पसीने के माध्यम के में उत्सर्जित होता है, तो वह है इसमें कोई नहीं तो गंधा। तो मानव के तापमान को विनियमित करने के लिए तरल के रूप में त्वचा द्वारा पसीना उत्पन्न किया जाता है। इनमें खनिज अम्ल और यूरिया भी मौजूद होते हैं। पसीने में मुख्य रूप से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन आदि पाए जाते हैं। अगला है,
तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका ऊतक की इकाई को न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहते हैं। शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। विभिन्न विविध तंत्रिका कोशिकाओं के अच्छ तंतुओं अर्थात एक्सॉन तथा डेंड्राइट्स के बीच संपर्क बिंदु होते हैं। ये युग्मन बिंदु और सिनेप्स करते हैं। संवेदी स्वाही तंत्रिका कोशिकाएं जो होते हैं संवेदांग से चेता प्रेरणाओं को प्राप्त करके इन्हें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पहुंचाते हैं। चालक या अपवाही तंत्रिका कोशिकाएं मोटर इफेक्टिव न्यूरॉन भी कहते हैं। तो पश्चिम भाग ये थोड़ी क्वेश्चन करते हैं। तो मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? तो पाई जाती हैं 12 जोड़ी। और केशुरज्जु मतलब स्पाइनल कॉर्ड में कितनी जोड़ियां तंत्रिका तंत्र होती हैं? तो 31। मस्तिष्क जिम्मेदार होता है किसके लिए? तो वो जिम्मेदार होता है सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए और शरीर के संतुलन को बनाने के लिए। तो सभी के सभी के लिए। मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित में से किस कथनों पर विचार की? मानव मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है। तो मानव मस्तिष्क हृदय की गति को थोड़ी नियंत्रित करेगा, तो ऑटोमेटिक चलेगा। ये शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी, तो ये सही है, दूसरा सही है। अगला है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो वह कशेरुका रज्जु में, स्पाइनल कॉर्ड में। सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में से कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा? तो मस्तिष्क नहीं करता है। मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? तो वह होती है सेरिब्रम में। परितृप्त एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित है? तो वह हाइपोथैलमस में। अगला है, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है कौन है? तो वह है हाइपोथैलमस। मानव शरीर का तापक्रम ना ही जाड़ों में घटता है ना ही गर्मियों में बढ़ता है, मतलब एक जैसा रहता है। सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है, वो होता है इनमें से कोई नहीं, मतलब 98.6 फॉरेनहाइट, वैसे मान सकते हैं इसको 98 को, नियर अबाउट। मनुष्य के शरीर का तापक्रम क्या होता है? तो 37 डिग्री होता है। मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है? तो वह है मेड्यूला ऑब्लॉन्गाटा। तो मस्तिष्क के विभिन्न भागों को मन द्वारा मनुष्य की गतिविधियों का संचालन निगमन किया जाता है। मानव के पश्च मस्तिष्क या रामबिन सेफलॉन के अंतर्गत मस्तिष्क के पुच्छ मेड्यूला ऑब्लॉन्गाटा आता है, जिसे प्राय मेड्यूला कहा जाता है। इसकी लंबाई भी लगभग 3 सेंटीमीटर होती है तथा ऊपर की ओर पहुंच तथा नीचे की ओर सुषुम्ना से जुड़ी होती है स्पाइनल कॉर्ड से। वह भोजन निगरण उल्टी या वोमिटिंग या हृदय स्पंदन की दर एवं प्रबलन खांसने और छींकने इत्यादि का नियमन केंद्र होता है। अगला क्या है, अंतःस्रावी तंत्र। तो ग्रंथि जिसे बोलते हैं, ग्रंथि किसी ऐसी कोशिकाओं अथवा उन लोगों को कहते हैं जिनकी कोशिकाएं किसी पदार्थ का संश्लेषित करके उन्हें स्रावित कर सिक्रीशन करती हैं। मानव सहित अन्य कशेरुकी जंतुओं में इनकी तीन तीन श्रेणियां होती हैं, बहिस्रावी, एक्सोक्राइन ग्लैंड और इंडोक्राइन ग्लैंड। तो एक्सोक्राइन में आता है आपका दूध ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, लार ग्रंथि आता है। अंतः में क्या आ जाता है? थायराइड, पिट्यूटरी, पीयूष और पैराथायर, एड्रिनल, पीनियल और थाइमस ग्रंथि आता है। मिश्रित में क्या आता है? मिक्स में आता है, मिक्स में अग्नाशय आता है। तो अग्नाशय क्या होता है? अग्नाशय मतलब पैनक्रियाज, जिसमें पाचक एंजाइम और लैंगर हैंगर्स की दीपिकाएं पाई जाती हैं। बीटा कोशिकाएं पाई जाती है। इंसुलिन कोशिकाओं में ग्लूकागॉन तथा डेल्टा कोशिकाओं में सोमेटोस्टैटिन नामक हार्मोन्स पाया जाता है। यह अग्नाशय में किन्हीं कारणों से खराबी आ जाए तो इन हार्मोन्स का निर्माण सुचारू रूप से नहीं हो सकेगा। अग्नाशय का पाचक रस के उत्पादन के लिए प्रेरित उत्तेजित करने वाला हार्मोन सिक्रेटिन है। छोटी आंत के ग्रहणी से उत्पन्न यह हार्मोन जठर रस के स्रावण को भी कम करता है और संभवतः पित्ताशय का संकुचन भी प्रेरित करता है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से इंसुलिन एक ऐसा पेप्टाइड हार्मोन है जिसकी रचना 51 अमीनो अम्लों से होती है। शरीर में ग्लूकोज की उपापचय को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से मधुमेह रोग हो जाता है तथा अधिकाधिक रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा रहती है। उदक में वाले व्यक्ति को प्रायः अत्यधिक प्यास लगती है क्योंकि इसमें शरीर का निर्जलीकरण हो जाता है, जिसके उपचार हेतु कृत्रिम एडीएच वेसोप्रेसिन का उपयोग किया जाता है। पिरिटेसिन, तो ये देख सकते हैं बहुत सारा चीजें यहाँ पर, देखिए कौन सा हार्मोन कहाँ बन रहा है। पीनियल ग्रंथि में मेलाटोनिन और पीयूष ग्रंथि तथा पिट्यूटरी ग्रंथि में पहला पश्च पिट्यूटरी एवं न्यूरो हाइपोफाइसिस और ये होता है अग्र पिट्यूटरी एडिनोफाइसिस। तो इसमें होता है एडीएच हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होती है पिट्यूटरी में। और इसमें अग्र पिट्यूटरी में क्या होती है? इसमें सोमैटोट्रोपिन या वृद्धि हार्मोन्स होता है, प्रोलैक्टिन या लियोटोकिन हार्मोन्स होता है और पुटिन प्रेरक हार्मोन्स होता है, लुटिनाइजिंग हार्मोन्स या अंतराल कोशिका प्रेरक हार्मोन्स होता है, एड्रिनो कार्टिकोट्रोपिन हार्मोन्स होता है, थायराइड प्रेरक हार्मोन्स होता है, मिलाटोसिन प्रेरक हार्मोन्स होता है और पैराथायराइड ग्रंथि में पैराथार्मोन्स होता है। और थायराइड ग्रंथि में क्या होता है यहाँ पर है? इसमें टेट्रा आइथोथायरोन या थायरॉक्सिन हार्मोन होता है और ट्राई ओडोथायरिनिन होता है, कैल्सिटोसिन होता है। और थाइमस ग्रंथि यहाँ पर है, थाइमस में थाइमोसिन और थाइमोपोएटिन और
और यकृत, देखिए यकृत में होता है ईजीएफ, इंसुलिन लाई ग्रोथ फैक्टर, और ये लीवर है, और ये क्या है, ये है अग्नाशय। अग्नाशय में ग्लूकागन, इंसुलिन, टोमेटोस्टेन, अग्नाशय प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड, अल्फा कोशिकीय ग्लूकागन, बीटा में इंसुलिन, और डेल्टा में सोमेटोस्टेटिन, और एफ में अग्नाशय पॉलीपेप्टाइड। और ये ब्रिकिया किडनी में कैल्सीडॉन, रेनिन, और एरिथ्रो पोइटीन, और अंडाशय में सिर्फ महिलाओं में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होता है। और अधिकृत के एड्रिनल में क्या होता है, इसमें एड्रिनल मेड्यूला, जिसमें एड्रिनलिन एवं एपिफेनिन होता है, और नार एड्रिनलिन एवं नार एपिफेनिन होता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स में एड्रेस्टोरॉन और कॉर्टिसोल होता है। और ये पुरुषों में क्या होता है, ब्रिस्टल होता है, जिससे टेस्टोस्टेरॉन। थायरॉक्सिन हार्मोन्स का स्रावण गले में स्थित थायराइड ग्रंथि द्वारा किया जाता है, शरीर में उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण करता है। और इस हार्मोन की कमी से बच्चों में जड़ मानसो मतलब क्रिटिसिज्म तथा क्रिएटिनिज्म तथा वयस्कों में मिक्सिडीमा नामक रोग हो जाता है। सामान्य घेंघा या गलखंड होशिमोटो का रोग भी इसकी कमी से होता है। नेत्र, तो बहुत सारे हार्मोन्स हैं, उनकी कमी से क्या रोग होता है, ये आ गया, यहाँ पर हम पढ़ लेंगे। निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि विहीन हीन है, तो अंतः ग्रंथि। और अगला है, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो सबसे छोटी पिट्यूटरी है। और पीयूष ग्रंथि, जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं, स्थित कहाँ पर होती है, तो मस्तिष्क में होती है। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों का काम करती है, तो अग्नाशय करता है, मिश्र ग्लैंड है। पित्तपिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं में सहित है, तो पित्तपिंड पाया जाता है अंडाशय में, पेनक्रियाज में। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं हाइड्रोजन हार्मोन स्रावित करती हैं, तो वह करती है लेडीज की लेडी कोशिकाएं, सेल ऑफ लेडिंग हाइड्रोजन हार्मोन्स का स्रावण करती है। तो ये मिलान करना है, जनन ग्रंथि, जनन ग्रंथि से कौन सा हार्मोन्स होता है, तो प्रोजेस्टेरॉन। पीयूष ग्रंथि से क्या होता है, पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन्स होता है, अग्नाशय से इंसुलिन का स्रावण, अधिवृक्क से कॉर्टिसोल, तो ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट नेक्स्ट है, वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है हार्मोन्स किससे, एडीएस से। प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन होता है गर्भाशय में, और टेस्टोस्टेरॉन होता है पुरुषों में, और थायरॉक्सिन होता है थायराइड में, और इंसुलिन होता है अग्नाशय में, तो ऑप्शन हो गया ए। नेक्स्ट है, यदि किसी प्राणी को कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीजें खाने को दी जाए, तो भी उसके रक्त में शर्करा का सांद्र स्थिर बने रहते हैं, इसका कारण क्या है प्राणियों के मामले में, तो इसमें होता है अग्नाशय के हार्मोन्स में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करना। नेक्स्ट होता है, अगर अग्नाशय में खराबी हो जाए तो क्या होगा, तो इंसुलिन और ग्लूकागन नहीं बनेगा। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन इनमें से कौन सा है, तो सिक्रेटिन है, इंसुलिन है एक, ये प्रोटीन है। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका उपापचय नियंत्रित करता है, तो वो करता है इसका इंसुलिन अग्नाशय अंतर्स्रावी रंगन हंस दीपा कोशिकाओं में स्रावित करने वाले हार्मोन से रासायनिक रंजक, जिससे एक पेप्टाइड है, ये ग्लूको या शरीर में ग्लूकोज व वसा में प्रोटीन के उपापचय को नियंत्रित करता है। मधुसूदनी अंतर्स्रावी है एक पेप्टाइड, इंसुलिन होता है एक प्रोटीन। इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है किसके द्वारा, आइलेट्स ऑफ लंगर हंस द्वारा। और मानव हार्मोन से इंसुलिन उत्पन्न होता है कहाँ से, अग्नाशय से। फिर है नेक्स्ट, इंसुलिन एक प्रकार का है, तो ये हार्मोन्स है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है, तो इंसुलिन होता है। इंसुलिन निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है, तो इंसुलिन में जस्ता होता है। इंसुलिन प्राप्त होता है डहेलिया की जड़ों से। और निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं, इंसुलिन रक्त शर्करा का नियंत्रण सही है, मेलाटोनिन निद्रा का नियंत्रण, और ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथि में दूध का स्राव, और गैस्ट्रीन जो रक्तचाप नहीं करता है। गैस्ट्रीन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो अमाशय की कोशिकाओं द्वारा गैस्ट्रिक अम्ल के स्राव के लिए जिम्मेदार है। माँ और शिशु के बीच गले लगना, चूमना, निम्न हार्मोन जो किसके मोचन से होता है, तो होता है ऑक्सीटोसिन से। निम्न से कौन सा एक हार्मोन स्तन ग्रंथि में दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है, तो है ऑक्सीटोसिन। निम्न से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है, तो ऑक्सीटोसिन प्रोटीन नहीं, हार्मोन्स है। गाय भैंस के थानों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन्स की सुई लगाई जाती है, तो लगाई जाती है ऑक्सीटोसिन की। कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावण करती है, तो वह है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि अपने प्रेरक हार्मोन की वजह से अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्रावी सक्रियताओं को नियंत्रित करती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है, तो वह है परावटु। नेक्स्ट है, आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है, क्योंकि क्योंकि थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है ये। अगला है, एक पहाड़ी क्षेत्रों में
में ग्वाइटर घेंघा रोग एक सामान्य बीमारी है। पहाड़ी क्षेत्रों में लोग भोजन में आयोडीन की मात्रा कम होती है, तो कथन कारण सही है, कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। अगला है थायरॉक्सिन क्या होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स है। आयोडीन युक्त हार्मोन्स क्या है, तो थायरॉक्सिन है। निम्नलिखित हार्मोन्स में किसमें आयोडीन होता है, तो थायरॉक्सिन में होता है। आयोडीन युक्त हार्मोन्स क्या होता है, तो आयोडीन युक्त हार्मोन्स होता है एक अमीनो अम्ल होता है। थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है, तो HGSH है। तो यहाँ एड्रेनालिन क्या होता है, एड्रेनालिन क्रोध, एड्रेनालिन से क्रोध भय खतरा लगता है। और एस्ट्रोजन से, एस्ट्रोजन स्त्रियों में पाया जाता है। इंसुलिन जो होता है ग्लूकोज का नियंत्रण करता है। फेरोमोन गंधे या बोध से साथी को आकर्षित करता है, तो ये हो गया ऑप्शन सी। तो फेरोमोन गंध के बोध से साथी को आकर्षित करता है। कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है, तो वह कहलाता है एड्रिनेलिन। एड्रिनेलिन एपिनोफ्रेन नामक हार्मोन से एड्रिनल मेड्यूला से स्रावित होता है, जिसके स्राव से हृदय में गति वृद्धि होती तथा शरीर में उत्तेजना का अनुभव होता है। और इस हार्मोन में कमी से व्यक्ति खिन्न रहने लगता है, और ऐसे व्यक्तियों को कोकेन या एफेड्रीन इत्यादि औषधियां दी जाती है, जो कि अनुकपी तंत्रिका तंतुओं को प्रेरित करती है। इसे उड़ो या लड़ो हार्मोन्स कहते हैं, जो कि संकट काल या विशेष परिस्थितियों में उत्तेजित निर्णय लेने में सहयोग प्रदान करता है। किस हार्मोन्स के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है, तो वह है एड्रेनालिन। एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है, तो वह पुटिका द्वारा। एस्ट्रोजन क्या है, तो एस्ट्रोजन एक हार्मोन्स है। और महिला सेक्स हार्मोन्स क्या है, एस्ट्रोजन। निम्नलिखित हार्मोन्स में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन्स है, तो वह एस्ट्रोजन। स्त्रियों में रजोनिवृत्त पश्चात निम्न से किस हार्मोन्स का उत्पादन समाप्त हो जाता है, तो प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन हार्मोन्स किसी महिला के मासिक चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। यह अंडाशय एस्ट्रोजन के प्रोजेस्टेरोन तथा उत्पादन बंद कर दिया जाता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों है, ठीक है। अगला है, मानव शरीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी व्यक्ति द्वारा व्यायाम पर सोमेटोस्ट्रोपिन का उत्पादन बढ़ जाता है। पुरुषों की जनन ग्रंथियां प्रोजेस्टेरोन उत्पन्न करती हैं, महिलाओं की अधूरी ग्रंथियां टेस्टोस्टेरोन उत्पन्न करती हैं। प्रतिबल के कारक अधिवृक्क ग्रंथि में समान तुलना की बहुत ही मात्रा में कॉर्टिसोल मोचित होता है, तो ये पहला सही है, ये सही है चौथा। मिलान करना है हार्मोन्स क्या है, इसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स है। एंजाइम क्या है, लाइपोज एंजाइम है। फास्फोलिपिड, ये फास्फोलिपिड है। लेसिथीन और बहुलक है पॉलीथीन, तो हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन्स में से कौन सा कैल्शियम और फास्फेट विनियमित करता है, तो वह है परावर्तु हार्मोन्स। सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछित होती है। तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक होता है, तो ये हो जाएगा पहला सही दूसरा गलत। तो मेलाटोनिन निद्रा और जागने की क्रिया को नियंत्रित करने वाला हार्मोन से, यह केवल रात में निकलता है। मेलाटोनिन मानव मस्तिष्क में दोनों कानों के बीच पीनियल ग्लैंड में थोड़ा मात्रा में निकलता रहता है और बाद में रक्त में मिल जाता है। पीनियल ग्लैंड सीधे आंख से जुड़ी होती है। इस ग्रंथि पर प्रकाश या अंधकार सीधा अनुभव होता है। जैसे शाम होती जाती है मेलाटोनिन का स्राव शुरू हो जाता है, अतः इसे रात का हार्मोन से अंधेरे को हार्मोन भी कहता है। समानता प्रकाश में इसका स्राव नहीं होता है। फेरोमोन्स पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं कीटों में, कीटों में। अगर फेरोमोन्स वह रसायन है जो कीटों द्वारा उत्सर्जित किए जाते हैं, विपरीत लिंगी कीटों को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फेरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है ये कीटों द्वारा। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट है जनन एवं भ्रूणी विकास। तो वह प्रक्रम जिसके माध्यम से जीव अपनी संख्या में वृद्धि करता है, प्रजनन करता है, बच्चे उत्पन्न करता है, उसी को बोलते हैं। मानव भी अन्य कसुरकियों की तरह एक लिंगी होता है, अर्थात इसमें नर और मादा अलग अलग जोड़ों में पाए जाते हैं। तो मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात शुक्राणु निषेचन समानता 48 घंटों तक, कभी कभी 72 घंटों तक सुरक्षित रहता है, जबकि अंडोत्सर्ग के बाद अंडक कोशिकाएं लगभग 12 से 24 घंटों तक निषेचन के योग्य बने रहते हैं। निषेचन क्रिया के बाद युग्मनज अर्थात जायगोट में विभाजन होता है और मारुला और ब्लास्टुला गैस्टुला नामक निर्माण होता है। गैस्टुला के निर्माण की प्रक्रिया 3 सप्ताह में होती है। इसके दौरान 3 प्रारंभिक तो अंकुरण होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन में समझ लीजिए। निषेचन फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है अंडवाहिनी में, ओविडक्ट में। तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया अंडवाहिनी ओविडक्ट में होती है। यहाँ नर युग्मक तथा मादा युग्मक मतलब स्पर्म और ओवम निषेचन क्रिया द्वारा युग्मन जायगोट का निर्माण करते हैं, जो कि डाइप्लॉयड होती है। मानव शरीर में निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है, तो वह कहता है डिंबवाहिनी नली में, ओविडक्ट में। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं, कहाँ पे, तो 1 या 2 दिन तक रहते हैं सुरक्षित मादा जनन पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु। तो आगे है, मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है, तो वह अपने परिवर्धन के 3rd सप्ताह में।
निम्नलिखित में से कौन सी कला परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन में रक्षा करती है? तो वह करती है उल्ब, एमनियॉन। एमनियॉन जो होता है, उल्बी तरल भरा रहता है जो भ्रूण को नम बनाए रखते हैं और बाहरी दबाव तथा धक्कों इत्यादि से इनकी सुरक्षा करते हैं। सर्टोली कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती? तो पाई जाती है वृषण में। इटालियन फिजियोलॉजिस्ट इटली सर्टोली ने इस कोशिकाओं को खोजी गई। सर्टोली कोशिकाएं लुमेन से दूर सूजी किनारों के किनारे पर स्थित है। इन्हें सहायता अथवा नर्स कोशिकाओं के रूप में जाना जाता है क्योंकि ये शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक रासायनिक यौगिक शुक्राणुजनन की प्रगति में सहायता करती है। इन कोशिकाओं का उत्पादन भ्रूण के विकास का समय निर्देशित होता है जब वायु गुणसूत्र पर लिंग निर्धारण क्षेत्र सक्रिय होता है। अगला है पादप कारिकी, इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।